हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कैसे आप घर में ही आपकी हेयर को कलर कर सकते हो। आज मैंने यूज किया है लॉरियल पेरिस का ये कास्टिंग क्रीम ग्लॉस हेयर कलर। इसे मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मेरी हेयर पे हाईलाइटिंग किया हुआ था मेरी हेयर पर। ऑल्सो मेरी काफ़ी सारी यहाँ पर ग्रेज भी है। मुझे रेगुलर बेसिस पे कुछ भी करके उसे छुपाना पड़ता था, लाइक हेना या फिर कलर। तो मैंने सोचा इस टाइम ये कलर यूज़ किया जाए। आज ही मैंने यूज़ किया है तो मैं आपको इसकी अच्छी खासी रिव्यू भी दे सकती हूँ कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो घर में, एंड इसके रिजल्ट गाइस अमेजिंग है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेयर कलरिंग के टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो मैंने आज जो जो प्रोडक्ट यूज़ किया है, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सारी प्रोडक्ट्स मेरी अमेजोन स्टोर पर अवेलेबल है, आप अगर चाहो तो वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप आपकी हेयर को वॉश कर लीजिए, मतलब आपकी हेयर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, लॉरियल पेरिस का ये शैम्पू यूज कर लिया है, क्योंकि इन दिनों मेरी हेयर फॉल हो रही है ना, तो मैंने ये शैम्पू यूज किया है, दैट इज लॉरियल पेरिस फॉल रेसिस्ट 3x एंटी हेयर फॉल शैम्पू। काफी अच्छे है। तो मैंने प्रीवियस डे पर हेयर शैम्पू किया है। आप जिस दिन हेयर कलर करो उसके प्रीवियस डे पे शैम्पू कर लो, तो आपकी नेक्स्ट डे आपकी हेयर काफी क्लियर एंड क्लियर रहेगी। उसके बाद आप यहाँ पर पहले देख लीजिए कि मेरी काफ़ी सारी ग्रेज भी है, एंड क्योंकि पिछले दिन ही मैंने शैम्पू किया तो हेयर पर शाइन भी है अभी भी, बट हाँ हेयर आप देख सकते हो काफ़ी हाईलाइटिंग है हेयर पर। अभी आपको क्या करना है, हेयर को नॉर्मली वॉश कर लेना है। आई मीन वॉश मतलब कोई भी शैम्पू नहीं यूज करना है, जस्ट आपको वेट कर लेना है एंड हेयर को टॉवल ड्राई कर लेना है। तो ये जो लॉरियल पेरिस का कास्टिंग क्रीम ग्लॉस हेयर कलर है, इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलती है, वेल इसकी बहुत सारी शेड्स है गाइज। मेरी जो शेड है 300 डार्केस्ट ब्राउन, ये ऑलमोस्ट ब्लैक के आसपास ही है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है एक कलरेंट ट्यूब फॉर्म में, उसके बाद इस बॉटल में है, इसमें डेवलपर है, उसके बाद इसके साथ आपको एक लिफलेट एंड हैंड ग्लोब्स भी मिल जाएगा, एंड इसके साथ आपको शाइन ग्लॉस आई मीन रॉयल जेली भी मिलेगी। इसे आपको एज ए कंडीशनर यूज करना है, हेयर पर अलग एक शाइन लाती है। तो यही कुछ चीजें हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी गाइज, हेयर को मैंने हेयर को टॉवल ड्राई कर लिया, अभी एक व्हाइट टूथ कॉम्ब से हेयर को अच्छी से मैं रिट्रायंगल कर लूंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ग्लव्स पहन लीजिए, नहीं तो हाथ गंदे हो जाएंगे आपकी। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर है तो आप आपकी स्किन के आसपास मतलब हेयर के आसपास हेयर लाइन के आसपास मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, ताकि आपकी स्किन पर कलर ना आए। उसके बाद ये जो डेवलपर है, मतलब इसे यूज करना इतना ईजी है गाइज, आपको क्या बताऊँ, अलग से आपको कटोरी ब्रश कुछ भी जरूरत नहीं है। बस ये जो कलरेंट है नंबर वन के साथ नंबर टू डेवलपर के साथ आपको मिक्स कर लेना है, इसके अंदर आप डाल दीजिए। उसके बाद इसे अच्छी से जितना आपके अंदर जोर है बस इसे मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद ये इसकी जो बॉटल की जो टिप है ना, इसे आपको कट कर लेना है या फिर आप ब्रेक कर लीजिए, जो भी आपके लिए इजी हो। मैंने कट कर लिया है। उसके बाद सिंपली आप इसे अप्लाई कर लो। इस बॉटल से प्रोडक्ट को अप्लाई करना बहुत ही इजी है गाइस। बस आप आपकी हेयर की सेक्शन बनाओ एंड इसे अप्लाई करते जाओ। पहले मैंने क्या किया है, ग्रेज को कवर करने के लिए ग्रेज के आसपास एंड मिडिल पार्टीशन जो है वहां पर अच्छी से अप्लाई कर लिया है। इसी तरह से आप पूरी हेयर पर इसे थरली अप्लाई करो, सेक्शन बनाओ, अप्लाई करते जाओ। लेंथ को बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। मेरी जो हेयर लेंथ है, ये जो कलर है बच गई थी, तो मैंने थोड़ा ज्यादा ही अप्लाई कर लिया। तो अगर आपके हस्बैंड के हेयर पर आप कलर करना चाहो, यू एंड योर हस्बैंड मतलब दोनों एक साथ एक ही बॉटल में हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी अच्छी से स्प्रेड होता है हेयर पर, क्या बताओ। पहले मैंने सोचा था कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी हेयर को कवर नहीं कर पाएगी, बट गाइज आप देख सकते हो ये बहुत ही ईजिली मेरी पूरी हेयर पर अप्लाई हो गई, थोड़ा सा बच भी गई। तो अभी क्या करना है, आपको इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी हेयर को मसाज करना है, ताकि ये थरली आपकी पूरी हेयर पर स्प्रेड हो जाए। स्प्रेड होने के बाद आपको इसे 20 मिनट्स तक एज इट इज छोड़ देना है। तो मैंने 20 मिनट्स छोड़ दिया है। उसके बाद इसे लुकअप वाटर से अच्छी से वॉश कर लेना है। अब सिंपली आप वाटर से वॉश कीजिए, आपको शैम्पू कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। वॉश करने के बाद हेयर को टॉवल ड्राई कर लीजिए। उसके बाद ये जो रॉयल जेली आपको मिला है ना, जस्ट लाइक कंडीशनर, आपकी पूरी हेयर पर अप्लाई कर लीजिए। नॉर्मल कंडीशनर आप आपकी स्कैल्प पे यूज नहीं कर पाते हो, बट इसे आप आपकी स्कैल्प
मतलब पूरी हेयर पर अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद 2 मिनट तक आपको छोड़ देना है जस्ट लाइक कंडीशनर। उसके बाद अगेन कोल्ड वाटर से हेयर को वॉश कर लेना है। तो मैंने हेयर को वॉश कर लिया है गाइज। अभी जस्ट मैं वेट हेयर को ही आपको दिखा रही हूँ नेचुरल लाइट में, बिकॉज इसके बाद लाइट चली जाएगी, नेचुरल लाइट मुझे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मेरी ग्रेस कवर हो गई, हेयर बिल्कुल ब्राउन, मतलब डार्केस्ट ब्राउन, ऑलमोस्ट ब्लैक के आसपास ही है, तो पूरी हेयर ब्लैक लग रही है। अभी मैं क्या करूंगी, हेयर ऑलमोस्ट सूख गई है, मैं थोड़ी सी सीरम अप्लाई कर लूंगी। तो सीरम जो मैं यूज कर रही हूँ बालेज का, ये स्मूथ प्रूफ एवोकाडो डीप स्मूदिंग सीरम, ये मेरी फेवरेट सीरम है गाइज, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये फ्रिज को कंट्रोल करती है, हेयर पे शाइन भी लाती है। वैसे तो मेरी हेयर ऑलरेडी शाइनी लग रही है क्योंकि मैंने जो रॉयल जेली यूज किया है कमाल की है गाइज। एंड ये जो रॉयल जेली है आप 3-4 बार यूज कर सकते हो, इसके बाद भी शैम्पू करने के बाद ये यूज कर सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा रहती है, बच जाती है। अभी हेयर को अच्छे से कॉम करने के बाद मैं रेडी होके आपको हेयर दिखाती हूँ। सो यहाँ पर आप देख लीजिए गाइज मेरी हेयर कितनी चमक रही है। नॉर्मल शैम्पू करने के बाद या फिर नॉर्मल कलर करने के बाद इस तरह की हेयर चमकती नहीं है, बट ये जो रॉयल जेली इसके साथ आपको मिलेगी इस कलर किट के साथ, तो ये आपकी हेयर पर जो शाइन देगी ना, ये क्लेम करती है कि ऑलमोस्ट 28 डेज तक आपकी हेयर पे ये शाइन रहेगी गाइस। सो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। एंड मैंने आपको दिखाया था मेरी काफ़ी सारी ग्रेज थी, अभी एक भी ग्रेज नहीं है। एंड बस अभी देखना है कि ये कलर कितनी देर, कितनी दिन तक मेरी हेयर पर रहती है। हेयर बताने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो हेयर कितनी स्मूथ हो गई है, कितनी सिल्की हो गई है, कितनी शाइनी हो गई है। एंड मेरी हेयर नेचुरली स्ट्रेट है, और भी ज्यादा स्ट्रेट लग रही है, ऐसा लग रही है मैंने स्ट्रेटन कराया, बट बिलीव मी गाइज मैंने कुछ नहीं किया। एंड आप देख लीजिए मेरी हेयर पर थोड़ी सी भी अभी हाईलाइटिंग इफेक्ट नहीं है, पूरी कवर हो गई है, पूरी हेयर पर ये कलर आ गई है। सो मेरी तरफ से गाइज एकदम थम्स अप है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट यूज किया है, बहुत ही अच्छा लगा है। आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप दूसरी कलर चाहते हो तो कोई भी कलर ले लो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। एंड आप घर बैठे ही इजिली आपकी हेयर को इस तरह से कलर कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्रोडक्ट्स एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। सो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।